गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। सो आज है डे फोर ऑफ आवर गोवा ट्रिप। और जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया कि यहाँ पे बहुत सारे नारियल के पेड़ थे, लाइक एक एक नारियल के पेड़ पे बिलीव नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट मतलब 20-30 किलो नारियल लटक रहे थे। तो इसी के साथ में हमने अपना शुरू किया डे फोर। और इस व्लॉग में मैं बेसिकली डे फोर एंड डे फाइव पूरा कवर करूँगी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया था। तो हमने अपना मॉर्निंग स्टार्ट किया स्विमिंग पूल के साथ में। और यहाँ पे ना हमने एक अलग चीज़ देखी, जैसे यूजुअली आपको पिजन और ये सारी चीज़ें बहुत दिखेंगी ना, बट हमने गोवा में स्पेसिफिकली देखा कि कौवे बहुत ज़्यादा हैं। कबूतर देखने को नहीं मिले हम लोगों को, कौवे बहुत मिले। और कौवे तो आपको पता ही है कि मतलब बहुत थोड़े नोटोरियस टाइप की बर्ड होती है ये। तो हमने अपना पूरा का पूरा स्विमिंग पूल में मतलब आधे से आधा दिन पूरा निकाल दिया। चीकू ने बहुत मस्ती करी, चीकू ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, चीकू के पापा ने चीकू को बहुत सारी चीज़ें सिखाई स्विमिंग की। एंड बाय द एंड ऑफ द डे, मतलब बाय द एंड ऑफ द आवर ट्रिप, जब चीकू इतना कंफर्टेबल हो गया था पानी में, उसने इतनी मस्ती करी। तो यही हमारा दो दिन का पूरा आइटनरी हुआ। हमने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की, जस्ट हमने प्रॉपर्टी बहुत एक्सप्लोर करी। हम प्रॉपर्टी में बहुत देर रहे, हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत पीसफुल रहा। मतलब लास्ट का डे हम लोगों ने बेसिकली डेडिकेट किया, हमें पता चला कि यहाँ पे बीच साइड एक्टिविटीज हो रही हैं, वाटर एक्टिविटीज हो रही है, तो हमने फिर से डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे पैरासेलिंग के लिए। तो लास्ट का जो डे था ना, विच इज डे फाइव, हमने करा पैरासेलिंग, मैंने और शर्मा जी ने पैरासेलिंग करी। हम सीधे स्विमिंग पूल से सीधे बीच पर चले गए थे, हमने चेंज भी नहीं किया। और उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हम लोग नून में, लाइक ये मॉर्निंग का टाइम था, हम लोग नून के टाइम में स्पा लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा थकान हो गई थी इतने दिनों से। वैसे हमने करा कुछ नहीं था, लेकिन एक होता ना स्पा लेने से, बॉडी मसाज लेने से थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो हमने किया। तो आप लोग हमारे साथ एंजॉय करिए हमारा डे फोर एंड डे फाइव की आइटिनरी, कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या चीजें। का फिफ्थ डे, फोर्थ डे हमने इसलिए शूट नहीं किया था क्योंकि कल चीकू बहुत ज्यादा रोना धोना कर रहा था। उसका मॉर्निंग से ही कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ कि पूरा दिन रोना धोना, सारी चीजें बहुत मुश्किल से हमने उसे सेटल किया। फिर हम लोग उसे यहाँ पे कोलवा बीच लेके गए, बट कोलवा बीच पे जब हम लोग पहुंचे तो हमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं लगा कि कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, बहुत सिंपल सा था। सिंपल मतलब जैसे सारे बीच होते वैसे थे। और उस टाइम पे थोड़ा सा गर्मी भी पड़ी थी, तो हमें फिर हमें ये लगा कि हम फिर चीकू को लेके जाएंगे बीच पे गर्मी के टाइम पे, फिर वो क्रैंकी हो जाएगा एज यूजुअल। तो हम लोग थोड़ी देर वहां रुके, फिर हम वापस चले गए। फिर हमें दो तीन काम थे मार्केट से, फिर हम लोगों ने वो सारे किए और हम लोग शाम तक वापस आए दोबारा होटल में। हमने होटल पे एज यूजुअल बीच एंजॉय किया, डिनर एंजॉय किया और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। लाइक मतलब हॉलीडे पे होते हुए भी ना, आपको कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरा दिन टाइम ही नहीं मिल पाता, कि आप सोचते बहुत हो आज ये करेंगे ये करेंगे।
तो बेसिकली हम लोगों ने ना गोवा ऐसा नहीं घूमा जैसे बिल्कुल टूरिस्ट लोग घूमते ना कि आते हैं चर्च जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको हम लोगों ने वो वाला प्लान नहीं किया था, हमें थोड़ा रिलैक्स करना था वो हमने किया। आज हमारा लास्ट डे है ताज एग्जॉटिका स्पा एंड रिसोर्ट में, इस प्रॉपर्टी में आज हमारा लास्ट डे, कल हमारी मॉर्निंग की फ्लाइट है। और आज हमने आज कोइंसिडेंटली कुछ ऐसा मुझे मिल गया जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, जैसे कि मुझे मिला फोटोशूट का ऑप्शन यहाँ पे, पेड फोटोशूट है, फोटोग्राफर्स आते हैं, आपको उनको बुक कराना पड़ेगा 2-3 घंटे पहले कि हमें फोटोशूट करवाना है, किस तरीके का फोटोशूट कराना है, प्रॉपर्टी में कराना है, बीच में कराना है, तो वो था। तो वो हमने कुछ कुछ चीज़ें करी और इसके साथ ही आज मैं मॉर्निंग में लेट उठी थी तो शर्मा जी ने पूरा साइकिलिंग वाइकलिंग सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली, डक देख ली, सब कुछ देख लिया। तो ये रहा आज का। और दूसरा आज थोड़ा सा हम लोग पूल में ही इंजॉय करेंगे और आज हम कहीं नहीं जाएंगे, आज हमने बेसिकली पूरा प्लान किया कि आज पूरा दिन यहीं रहेंगे, शांति से रहेंगे, क्योंकि कल का दिन थोड़ा सा हमारा हेक्टिक चला गया था चीकू की वजह से। और चीकू की वजह से नहीं, देखिए बच्चा जब साथ में होता है ना तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो ही जाती है कितना भी आप प्लान करें। क्योंकि चीकू था इसलिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ना अवॉइड करी जाने के लिए, जैसे बागा बीच हमने एक्सप्लोर किया, हमने एंजॉय किया, हम लोग वेगेटर बीच पे नहीं गए, हम लोग बटरफ्लाई पेबल्स इन सारी चीज़ों पे नहीं गए। तो ये वाली चीज़ें थी, तो ये थी आइटनरी बड़ी बड़ी। और अब देखते हैं शाम को हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, तो जो भी होगा मैं अपडेट कर दूंगी। माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि मैं नहीं शूट कर पाऊँ, मैं जोधपुर पहुँच के बताऊँ कि हमने क्या क्या किया। तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैंने इस बार बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई। बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी हमने नहीं करी थी स्पेसिफिकली कि हम गोवा जा रहे थे हमें ऐसे कपड़े लेने ऐसे लेने, क्योंकि लाइक मैं बहुत सारी क्लोथिंग में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे बहुत डिसेंट क्लोथिंग ही पसंद आती है, तो वही हम लोगों ने चीज़ें करी। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं शेयर करने को, तो ये था बड़ा बड़ा। बट ओवरऑल जो मैं सजेस्ट करूँगी, गोवा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप या तो टिल फेब्रवरी या मार्च मिड तक आप आ जाइए, या फिर जो सितंबर से जो होता है सीजन। बट अगर आपको पीस चाहिए, चाहे वो नॉर्थ गोवा में हो गया, चाहे वो साउथ गोवा में हो गया, या आपको रश कम चाहिए, क्योंकि जब रश कम होता है तो टूरिस्ट स्पॉट पे वैसे भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है विद इन अ बजट, तो आप ट्राई करिए आप मार्च टू अप्रैल में आ जाइए। मार्च के एकदम एंड में मत आइए, मार्च की इनिशियल फर्स्ट टू सेकेंड वीक्स में आप आ जाइए। तो ये था। और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मैं आराम से जब हम जोधपुर पहुंच जाएंगे तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें जो एज अ टूरिस्ट एज अ यू नो अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं विद अ टॉडलर हमने एक्सपीरियंस करी कि ये चीज़ होना चाहिए वो चीज़ होना चाहिए, और एक अच्छी प्रॉपर्टी में रुकने के क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसी के साथ ही ना मैंने थोड़ा सा लिया था स्पा, मुझे बैक मसाज चाहिए था क्योंकि मेरा बैक पेन बहुत होने लग गया था ट्रैवलिंग के चक्कर में, तो मैंने स्पा लिया। तो सबसे पहले मुझे वेलकम ड्रिंक से वेलकम किया इन लोगों ने, और बस फिर मैंने अंदर का बहुत ज़्यादा नहीं लिया था। मीनवाइल चीकू को शर्मा जी ने संभाला उस पूरे ड्यूरेशन में, और उसने अच्छे से खाना वाना खा लिया, वो बहुत मतलब सेटल था। और जब मैं वापस आई स्पा करा के तो उसका अच्छे से पेट भरा हुआ था, वो विद इन 15-20 मिनट्स के अंदर वो सो गया, उसके बाद शर्मा जी स्पा के लिए चले गए। तो हमने इस तरीके से शेड्यूल किया था। अब देखिए अगर आपको स्पा लेना है और आपके साथ में बच्चा, तो इसी तरीके से चीज़ें प्लान आउट करिए, और जैसे मैंने पहले लिया फिर उन्होंने लिया। और चीकू का हमें पता था किस टाइम पे वो कंफर्टेबल होता है, जिस टाइम पे वो खाना खा रखा होता है या उसको सोने का टाइम होता है, मैंने उस अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें प्लान आउट करी। तो बस ये थोड़ी सी मैंने वीडियोज़ लिए थे फिर बाहर से, क्योंकि बहुत अच्छा वेदर हो रखा था, तो आप लोग भी इन्जॉय करिए। और ये था हमारा गोवा का पूरा ट्रिप, कैसा लगा कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।
इस ब्यूटीफुल सनसेट के साथ में हमारा गोवा ट्रिप भी एंड होता है और होपफुली हम जल्दी गोवा वापस आएंगे क्योंकि बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल हमारा ट्रिप गया। तो मिलते हैं जोधपुर के व्लॉग्स के साथ में। अगर आपको ये मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे हों गोवा के तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए कविता की कहानी व्लॉग्स को और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।